स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। डिप्रेशन भी ब्रेन डिसऑर्डर की वजह कहते हैं, और ज्यादा डिप्रेशन अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों की संभावना भी बढ़ा देता है। तो इससे कैसे बचा जाए स्वामी जी, इसके उपाय बता दीजिए। आज हम प्राणायाम विशेष रूप से कर रहे हैं। अनुलोम विलोम कर बाबू, तेरे ब्रेन से ही प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच जो स्ट्रेस हार्मोन है तो नीचे चले जाएंगे। इंडोरफिन, इकाफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन निकलेंगे। अपने आप ही उनसे नशा रहेगा, जैसे मेरे को 24 घंटे नशा रहता है योग का। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए। न्यूरोग्रिड अभी मैंने बताया था, मेधा मेमोरी और ओमेगा के अलावा ब्रेन के लिए ये सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट बड़े ज़बरदस्त हैं। बादाम रोगन और इसमें ज्योतिषमती के 5 दाने या 5 बूंद तेल, और जैसे मैंने गाय का घी, ब्राह्मी घृत बताया, मक्खन बताया खाली पेट, ऐसे ये भी 1 चम्मच खाली पेट खा लेते हैं ना, मैं कई बार इसका सेवन करता हूँ सुबह, ऐसे इतना अच्छा लगता है। या तो कच्चा नारियल खा जाओ इतना सा खाली पेट, उसका जो मैंने कहा था ना, 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। तो कभी भी ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ये डिसऑर्डर होंगे ही नहीं, और खुश रहें, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। एक बार ज़रा ज़ोर से हंसो, ऐसे नहीं, और देर से। ये भी हंस रहा है, पहले तो फंसा हुआ था उधर जा, तो ले जा अपना। कभी दारू पीने की इच्छा होगी नहीं, अब तो गुरु का आशीर्वाद हो गया। कभी पार्टी करनी हो तो द्राक्षा की करना, जा। लोग कहते हैं पार्टी में पी लेते हैं जी, वैसे तो पीते नहीं, और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। पीने से कोई गम भुलाया जाता है? गम बढ़ जाते हैं स्वामी जी। जीवन में ऐसा करते ही क्यों जिससे गम हो? जिसे बहुत ज्यादा गम है उसे तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, वरना और गम के सागर में डुबकियां लगाएगा स्वामी जी। क्योंकि एपिलेप्सी का सीधा कनेक्शन दिमाग से है, तो माइंड हेल्दी रहे इसके लिए ध्यान का सेशन भी स्वामी जी जरूर कराएं, ध्यान और प्राणायाम दोनों बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम और इसमें थोड़ा बीच में होल्ड करके करते हैं तो और ज़्यादा ध्यान लगता है। और जिनका दिमाग माथा बहुत गर्म रहता है वो शीतकारी भी कर लिया करें, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, एक अनुष्ठान की तरह करना, थोड़ा धीरज के साथ और शीतकारी। जिनका माथा बहुत गर्म रहता है, गुस्सा बहुत आता है, मन बेचैन, अशांत रहता है, अधीर रहता है, जीवा बाहर निकाल के जीवा धातु के पीछे लगा के और अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, पहले बोली माथे पर शेष, तीन बोली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, इसमें ना करते ही मन को शांति मिलती है। जैसे मैंने कहा म्यूजिक से, डांस से, और कोई ऐसे आर्ट और कई प्रकार के पेंटिंग आदि, ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे भ्रामरी करते हैं ना, ओंकार में एकाकार तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। नाद हो गए, ओंकार का नाद, ओ गीत, फिर गायत्री ध्यान, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे ही ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो अवज्ञाणम, नमो लोय सहसाहुणम, ओम का ध्यान, विपश्यना ध्यान कहो,
प्रेक्षा ध्यान कहो, सांसों के साथ ध्यान कहो, अपने मूल स्वरूप का ध्यान चिंतन कहो। हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, इनके परे एक आत्म तत्व है और उस अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जब हम कुछ पलों के लिए नितांत जो अपना शुद्धतम स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सारे संकल्प पूर्वक और बाद में तो सहज ध्यान हो जाता है। रामो हम कृष्णो हम, आप कैसे ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः शिवाय नमः, ला सकते हैं उसका उपाय आपने बताया है, उठा के आंखों पर रख लेते हैं। अब स्वामी जी एपिलेप्सी के लिए आज आप खास आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताने वाले हैं, जब तक उसकी आप तैयारी करेंगे तब तक मैं ये बताऊंगा कि कल हमारे शो में क्या खास रहने वाला है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स की नई स्टडी, नौकरी पेशा लोगों की टेंशन बढ़ी, 61% लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल के दुश्मन बने कौन से 8 रोग, हार्ट अटैक की आ रही है नौबत, योग से करें दिल की हिफाजत, स्वामी रामदेव संग कार्डियो सेशन, धड़कन सांसों का जुड़ा रहेगा कनेक्शन, तो दिल को 8 खतरनाक दुश्मनों से कैसे बचाएं, कल सुबह 7:56 पर हमारा ये खास शो जरूर देखें स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी देखो ये आजकल स्टील की भी ये उखली मुसली सब जगह मिलने लग गई, और जिनको ये ना मिले कोई बात नहीं, ब्राह्मी को हाथ ही ले लेना। तो ये पीपल की जटा ना, ये विशेष उपयोगी होती है और ये पुराने पीपल पर आती है। पीपल और बड़ की जटाएँ ये मस्तिष्क के लिए, ये शिव जी का प्रसाद है, शिव पार्वती का प्रसाद है और शिव पार्वती का विग्रह है बड़ और पीपल। अभी मैं कह रहा था हम उमा महेश्वर के, राधा कृष्ण के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के उपासक, उनके प्रतीक हैं बड़ पीपल, इसलिए पहले बहुत लगाया करते थे, इसका काढ़ा बना करके पी लो। बाकी उपाय तो मैंने पहले बता ही दिए, और च्यवनप्राश की तरह ही एक अमृत रसायन सर्दियों में देते हैं उसको ले लो, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, और गाय का मक्खन इसको रोटी के साथ खाते हैं ना, जौ की रोटी, और मैंने कहा था च्यवनप्राश के साथ इसका ऐसे, फिर ये घी मक्खन इसका ऐसे रोल बना करके, और फिर इसमें बाल प्रास आदि और लगा दिया, और ये जब ऐसे खाते रहे खाली पेट, तो अकेला घी किसी से खाया नहीं जाता, तो मक्खन के साथ खा लो। मोछे टुकर टुकर देख रहे हो बाबा, खुद मक्खन खा रहे हो, हमके सुखो हमको खाना पिला रहे हो। ये तो सब उबली हुई सब्जियां खा रहे होंगे, मक्खन से अच्छा दिमाग रहेगा, कभी कोई दिमागी दिक्कत नहीं।